ठहर जा तू। क्या है पांगरू, उधर घर में कोई नहीं है और तुझे ठहर जा की पड़ी है। हाँ। जाएगी किसी तरह से मार खाई है, जाएगी मार खाएगी। मुझे बस मार चल। अरे मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा। घर में कोई नहीं है, ना भाभी है ना भैया, बस मैं हूं और कुछ भी है और कोई नहीं है। मंगला का बच्चा होने वाला, तो मंगला के बच्चा होने वाला, तो मैं क्या करूं बाबा? क्या क्या मालूम, तू जान। तो खड़ी खड़ी मुंह क्या देखती है, चल फिर। जाऊंगी खाने पीने की कुछ चीजें खरीद लाऊंगी। पर तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तू क्या करेगी? मैं खुद ही जाकर कर ले आता हूँ। मैं जानती हूँ तू कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ जाएंगे, मैं ले आती। अच्छा देख,
अगर आधे घंटे में तुम्हें सब चीजें लेकर वापस ना आ गया ना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा पास। चोर की सजा देनी होती बेटे सबकी दे चुकी। क्या क्या मतलब क्या? तो छोड़ ना इन बातों को, ला पैसे दे दो। हाँ। अच्छा देखो एक काम कर सकते, ये 2 रुपए तू ले ले, बाकी के पैसों से सब चीजें मैंने अभी लेके आता हूँ। पटांग जाओ बाबा, एक कप चले। आज रुपया उठाने ये तो नकदा नकदी का हिसाब पसंद करती है। तो ये तू थी जो बातें सुन रही थी हमारी है? 8 रुपया उठाने। देख पा रही ये दुनिया जो है ये 4 दिनों की माया है, इसमें पैसे का इतना लोग अच्छा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है शंकर, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ तू भी नहीं है। 8 रुपया उठाने ये कोई शराफत नहीं है? अरे चोर से काहे की शराफत। 8 रुपया उठाने। देख पा रहा दुनिया मुझे भरोसा नहीं करती ना, मैं कहता ठीक है कोई परवाह नहीं जाने दो। तेरी भाभी मुझको कितना बुरा भला कहती है, कहता ये भी चलता है, लेकिन जब तू मुझको चोर कहती है ना और इतने से पैसों का मुझको भरोसा नहीं करती तो मेरा दिल टूट जाता है। आपके लक्षण ही जो ऐसे हैं तो उसको कोई क्या करे। पारुक हुआ बनारस से कोई मेहमान आए हैं, पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। बनारस से मेहमान आए तो उससे पारुक को क्या है साहब? चुप रहो जी, तुम्हारी वजह से आज सुबह पारुक हुआ को मार पड़ी और फिर तुम्हें हुआ तुम क्यों? मेरी वजह से मार पड़ी? हाँ हाँ पूछ लो उससे। क्यों पर? पारो बुआ जितनी जल्दी चलोगे उतना ही अच्छा होगा। कि मौसी थी ना वो आपके नाम एक वसीयत कर गई हैं, ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि वो अपना सब कुछ आप और आप ही के खानदान के लिए छोड़ गई हैं। क्या कुछ छोड़ गई है हमारी मौसी? हाँ 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 बेसब्री से काम न लीजिए श्रीमती जी, अभी आपको सब मालूम हो जाएगा। पार्वती कहाँ? आ रही है पिताजी। ये मेरी बेटी है और पार्वती मेरी बहन है, सौतेली बहन, मेरा मतलब बाप एक और माए दो, यानी माए अलग अलग। अब बता भी दो कितना पैसा छोड़ गई है मौसी जी। बताता हूँ बता भी दो यार हर मुकर, तुम क्या जानो जी कितना खतरा है, एकदम बता देने में। रकम मोटी है और ये लोग छोटे हैं, मेरा मतलब है बहुत गरीब हैं। अचानक इतना पैसा मिल जाने से मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, समझे? हमें ये खबर धीरे धीरे सुनाना चाहिए। हाँ तो जगत बाबू एक बात तो बताइए, अगर कहीं आपको 5,000 रुपए मिल जाए तब आप क्या करें? 5,000? थोड़ी जमीन खरीद लूं और उसमें धान बो दूं और एक जोड़ी नागौरी बैलों की ले लूं। और अगर कहीं 10,000 मिल जाए तो? बाबू जी 10,000? भैया जब तक नया मकान भी बनवा लूं, अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लूं, पुष्पा और पारो के लिए, पुष्पा की माँ के लिए भी ले लूं। 15,000 हो तो? बाबू जी 15,000? 15,000? भैया जब तो मैं पुष्पा और पारो को पढ़ाई न दू, इन्हें वो सब कुछ सिखाई न दू जो एक शरीफ घर की लड़कियों को आना चाहिए, शहर के अच्छे से अच्छे लड़की के पास शादी न कर दू इनकी। 20,000 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो भैया आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। जरूर थे आपने, आपको ये खबर धीरे धीरे सुनानी चाहिए थी, लेकिन 100 रुपया है कितना? 1,00,000। पुष्पा की माँ भैया ये बुढ़िया है ना, अपने पोते को मीरपुर के मेले में ले गई, वहाँ पे जाकर के इसने हेजा लगा करके लाई और हेजे में उसका छोकरा मर गया, अब निकालती है कि निकाल में से बाहर है। क्या शंकर देखो उस बुढ़िया का पोता हेजे से मर गया है और ये लोग उसे छूते तक नहीं, आवाज़ नहीं तो मेहमान
किसी ने क्या वादा किया था? मुझे तेरा मकान मकान नहीं सुनना, दे पाया कि नहीं? अरे क्या हुआ, पागल हो गया है? मैं पागल नहीं हो गया, तेरी दुनिया पागल हो गई, पागल हो गया। उस बुढ़िया बेचारी का पोता चल बसा और उसका घर बुला के याद कर दिया, और लोग मुझे खुशियों के नाम कहते, और तू कहता कि मैं होश की बातें करूं। इस दुनिया में रघुनाथ जी लोग अच्छाई की बातें ही करते, अच्छे बनते नहीं है। दीजिए सूरज कहाँ से निकला है राजा? अबे भूसा क्या है देना? देख शंकर, आज सुबह तेरी माँ यहाँ आई थी। माँ? हाँ, अब तहरेज जी तो संदूक तोड़ कर कंगन निकाल लाया है वहाँ से। तूने उसे बता दिया कि मैं यहाँ भेज गया हूँ? नहीं, लेकिन ये कंगन मैं अपने पास रखकर अपने आप को कितना पापी समझता हूँ। उसे वापिस कर दे, इसके बदले में तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा शंकर। मगर एक बात का वादा कर, यहां से तो शराब पीना बिल्कुल छोड़ देगा। भटेगा मुझे एक मंदा समझता, मैं ये कंगन तुझे तब वापस लूंगा जब तुझे तेरी एक पाई चुका दूंगा, समझेगा? गरीबी और तकलीफ से कराते नहीं है और जहां ऐसे मालूम होता है कि तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू कुछ बहुत बड़ा है। मगर तेरे पांव धरती पे गड़े हुए शंकर, तू बादलों में नहीं रह सकता। ठीक है, बादलों में नहीं रह सकता, मगर जब वहां से वापस आता हूं ना रघु, तो फिर मुझे दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। जब मैं किसी लकड़ी के टुकड़े या किसी मिट्टी के लोहे को लेके बैठता हूँ रघु, तो मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मैं उसमें जान डाल सकता हूँ, उसे एक ऐसा शरीर दे सकता हूँ रघु, जिसकी रग रग में खाल धावा खून दौड़ा। और इसके बगैर मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मैं एक बिल्कुल बेकार आदमी हूँ। तू सचमुच पागल हो गया शंकर, एक दिन आएगा जब तुझे इस बात का पता चलेगा, पर जब बहुत देर हो चुकी होगी शंकर। तू जानता है आदमी का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? कुत्ता है, कुत्ता। चल बाबा। मेरे दिल कहीं और चल, बाकी दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं
और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, बहारों से क्या फायदा, जिसने दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया, और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, लुट रहा बेरहम आसमान, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल। शंकर मर गया। जगर भैया ये लंबे चौड़े बात बाद में पूछना है, पहले ये बताओ कि स्मशान का रास्ता किधर को, ये अपना पीरा कहता है कि इधर को है, और हीरा जो है ना ये कहता है कि इधर को है, मगर हीरा कहता है कि इधर को है। अब जगत भैया तुम बताओ किधर को है, स्मशान किधर है सो हम जानते हैं, मगर हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि हम तो बेचारे मर गए हैं। बेकार बेहुदा कहीं का, टीपी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा, भागो भागो तुम पांचों भागो, नहीं खोपड़ी बराबर कर, भाग भाग जल्दी, उठता हूँ जल्दी भैया, उठता हूँ, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं हीरे बच्चे जा, तू किधर गया है? कौन है तू? मैं तेरी माँ हूँ रे। माँ 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 माँ, तू जानती है दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ माँ
इस दुनिया में माँ के सिवा कुछ ही नहीं है। शंकर, तूने आज फिर पीली, तूने वादा किया था ना शंकर कि माँ फिर नहीं पीऊंगा। वादा क्या था? अभी भी कभी अपना वादा पूरा करते हैं माँ? खाना भूख न लगी है, मुझको प्यास जरूर लगी है माँ। वो बाकी के पैसे दे दे उसको। पैसे? पैसे कहाँ है बेटा? पैसे तो मैंने दे दिए उस बुढ़िया को। तीन बुढ़िया को दे दिए बच्चे? वो जिसका पोता मर गया था, वो बुढ़िया, उसको दे दिए बेटा। उसको दे दिए माँ? माँ तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है माँ। तेरे देखी माँ दुनिया में कहीं नहीं है माँ, कहीं नहीं है। और मैं एक बात कहूँ बेटा, तेरे जैसा लाल भी दुनिया में किसी का ना होगा। तू कितना अच्छा है शंकर, कितना खरा है, कितना प्यारा है। तू झूठ बोलती है, तू बोल रहा होगी इतना दिमाग सब जा गया है। तू कुछ समझ नहीं आती, मुझको अच्छा कह दूंगे। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं खा भी नहीं हूँ, मैं प्यारा भी नहीं हूँ, मैं बेहूदा हूँ एकदम। शराब पीऊँ बिल्कुल, रोज शराब पीता हूँ, रोज शराब पीता रहूंगा, मैं पीता रहूंगा रोज शराब। बाबा हम गरीब लोग हैं, हमको कौन बुलाता है? मैं जो बुलाने आई। तू होती कौन है? पैसा तो जगत नारायण के कांट से लगा, लोटा देने ये आ गई। शंकर, वो काम में होंगी। शंकर, तू आ गई है सजदा दिखाने मुझको? नया मकान बनाया, बड़े शान की बात है। तूने अच्छे कपड़े पहन रखे, ये भी बड़े शान की बात है। जब शंकर मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। हां, घर पहुंच के एक चिट्ठी जरूर लिख देना मुझको। तू जलता है, तू जलता है, तू जलता है। क्यों भाई, यही मकान है।
जगत नारायण का मकान है। हाँ मैं ही तो भी लाला जगत नारायण। आप कौन? नमस्ते, मैं हूँ श्याम सुंदर, मेरी चिट्ठी आपको मिली होगी। आप हैं? आइए आइए बैठिए। आप तो भींग गए, बाहर क्या बारिश हो रही है? जी ये बारिश आसमान से नहीं छत से हुई। छत से? समझा। पुष्पा मारो जल्दी नीचे आओ। अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? पुष्पा क्या है पिताजी? इन पर पानी तूने फेंका है? मैं पूछता हूँ किसने फेंका है पानी? मुझे क्या मालूम था ये नीचे खड़े हैं। तो तूने फेंका? कोई बात नहीं, ये तो भी सूख जाएंगे। ये मेरी लड़की है पुष्पा और पारो मेरी बहन है, दोनों एक ही उम्र की हैं। ये तुम्हारे नए मास्टर हैं, नमस्ते करो। नमस्ते। ये तुमने क्यों नहीं पहने? काटते हैं ना एड़ियों पर। नहीं नहीं, ये दोनों एकदम जंगली हैं, बिल्कुल जंगली हैं। और आपको इन्हें पढ़ाना होगा, सलीका सिखाना होगा, वरना ये ऐसी फुहड़ और गंवार रही तो कोई भी शरीफ लड़का इनके साथ शादी नहीं करेगा। जी पिताजी, मास्टर जी के लिए नए कपड़े ले आओ। नहीं नहीं, आप ही कहने कीजिए, मेरे पास कपड़े मौजूद हैं, मैं बदल लूँ। बिल्कुल ठीक। पुष्पा मास्टर जी को इनका घर दिखा दो। चलिए जाओ। चलिए ना। जाओ जाओ। कमाल किया।
क्या लाई? मिठाई। भोजन? चीनी। मुहूर्त हो गया? नहीं। कौन बनाया था? सभी आए थे। एक नहीं था तो तू। मेरे होने न होने से क्या होता है? पर घर कैसा? बहुत अच्छा है शंकर। अरे इतना ऊंचा है शंकर कि देख के डर लगता है। और ऊपर के कमरों में इतनी बहुत सी खिड़कियां हैं शंकर, मैंने एक खिड़की खोली, अरे बाप रे, इतने जोर से हवा आई कि मेरा दम घुटने लगा। शंकर तू भी एक इतना अच्छा मकान बन कर। क्यों, ये मकान अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, मेरा मतलब मैं कोई साहूकार नहीं हूँ समझी, और तेरे भाई की तरह मेरी भी कोई मौसी नहीं मर गई है जो मुझे बहुत धन दौलत छोड़ गई। लो, मैं क्या बात कर रही थी, तू खींच कर कहाँ ले गया? मैं खींच के ले गया? नहीं तो क्या, मैं खींच कर ले गई? तो फिर क्यों बार बार यहाँ भटकती हुई आ पहुंचती है? बड़ा अच्छा मकान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है, 50,000 खिड़कियां हैं उसमें। तू अपने आप को समझता क्या है? एक तो तेरे लिए मिठाई लाऊं, दूसरे तेरे पांव पड़ूं, और तू है कि माँ के आते की तरह इठा ही जाता है। अरे मुझ जैसा कोई है नहीं इस गांव में, और अगर यकीन नहीं आता तो जाके मेरी माँ से पूछ ले, तुझ जैसा की मैं क्या परवाह करता हूँ? तू मेरी परवाह नहीं करता, तू मेरी तेरी परवाह नहीं करता। चोट तो नहीं है? तुम्हें ऐसे क्या? अरे कुछ तो होगा, जब ही तो पूछने आया हूँ तुझसे। झूठ, पत्थर के आदमी को कभी कुछ नहीं। देख पा रो, दिन भर मेरा जी चाहता है कि तुझसे अच्छी अच्छी बातें करूं, मगर न जाने जब भी तू सामने आ जाती है मेरे मुंह से कुछ जली कटी निकलती है। अब मैं क्या? अच्छा तू एक काम कर। क्या? एक छुरी ले आ और ये जबान काट डाल। अरे ये जली किसी बातें ही सुना तो चली आती है। ईसा से 327 वर्ष पहले सिकंदर ने खैबर की घाटी में होकर पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब के पश्चिमी भाग में इस समय दो राज्य थे, एक तो तक्षशिला और दूसरा पुरराज। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर का स्वागत किया और उसको अपना सम्राट मान लिया, परंतु राजा पुरु ने यूनानी से खूब लोहा लिया। वो 30,000 पैदल, 4,000 सवार, 300 रथ और 200 हाथी लेकर झेलम नदी के किनारे आ डटा। घमासान युद्ध के बाद पुरु की हार हुई, बहुत से योद्धा घायल हुए और मारे गए। पुरु बड़े डील डोल वाला वीर योद्धा था, उसके 9 घाव लगे
परंतु तो भी उसने लड़ाई के मैदान से भागने की कोशिश नहीं की। जब सिपाही उससे पकड़ कर सिकंदर के सामने ले गए तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। वीरपुरु ने शीघ्र उत्तर दिया कि जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। मिस पार्वती, मिस पार्वती जी, आप सुन रही हैं? सुन रही। क्या सुन रही हैं? जो आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे हाँ, मास्टर जी जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मास्टर जी मैं एक दूसरी बात कहती हूँ। बड़ा ही खराब आदमी था आपका सिकंदर। हाँ, हमारे देश पर हमला बोल दिया। देखिए मिस पुष्पा, पुराने जमाने के बादशाह थे ही बड़े लड़ाक, देश देश फतह करना ही उनका काम था और उनकी शान। तब तो वो सब के सब खराब थे। वो कैसे? देखिए मास्टर जी, मेरा घर हो एक, जब भी मैं उठ के आपके घर पर कब्जा कर लूं तो फिर मैं खराब नहीं? कहिए मास्टर जी, क्या तरक्की की हमारी बच्चियों ने? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है लाला जी, चार छह महीने से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। वजह यह है, ये लड़के ठीक से बैठती नहीं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं देती, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती। लो, ये भी हमारा ही दोष ठहरा। आपको तो कुछ आता नहीं, सवालों का जवाब ठीक देते नहीं और ससुर हमारा बताते हैं। लाला जी, मैं गरीब जरूर, लेकिन मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता। आप इनके लिए कोई दूसरा मास्टर ढूंढ लीजिए। कितनी बेहूदी हो तुम दोनों, देखते देखते एक पढ़े लिखे ईमानदार आदमी की बेइज्जती करती। शर्म आती मुझे तुम्हारे नाम पर। पारो बुआ, बहुत बुरा हुआ। बुरा तो मास्टर जी को रोकना चाहिए। अरे जाने देना, कोई दूसरा मास्टर आ जाएगा। नहीं बुआ, तो जल्दी जाकर रोक ले, नहीं तो चला जाएगा। तुम भी चलो ना। अरे जा जा जाना, नहीं तो चला जाएगा। इधर देखिए ना। जी फरमाइए। तो क्या आप सचमुच ही जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपके पिताजी आपके लिए दूसरा मास्टर ढूंढ लेंगे। ये नहीं हो सकता। वो क्यों? क्या पता, नया मास्टर आपसे भी बुरा हो। हाँ, नाराज न होइए, नाराज न होइए। मेरा मतलब ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि नया मास्टर आपसे भी बुरा नहीं होगा? कह सकते हैं आप? मास्टर जी, आप बड़े ही हठीले आदमी हैं, बड़े ही गुस्से। मिस पुष्पा, मुझे जिंदगी भर कभी गुस्सा नहीं आया। अच्छा हुआ, तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही थी? जी नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा और ना कुछ किया भी, सिर्फ अपने पिताजी के सामने मेरी थोड़ी सी बेइज्जती की। मुझे माफ कर दीजिए। मिस पुष्पा, ऐसा ना कीजिए, परमात्मा के लिए उठिए। तुम दोनों कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहीं नहीं, कहीं नहीं भाभी, हम मास्टर जी के आ गए थे। मास्टर जी के? हाँ, मास्टर जी हमसे खफा थे ना भाभी, उन्हें जरा जरा मनाने के लिए गए थे। भाभी भाभी, तुम्हें एक मजे की बात सुनाओ। अपनी पुष्पी है ना, पुष्पी, वो मास्टर जी को बहुत पसंद करती है भाभी। बेशरम बेहया, तू मेरी बात तो सुन। मैं बड़ी है, मास्टर जी का पुष्पी पसंद करती है बेहया। सुनते हो? भागो, कहीं से जाकर तो लड़के ले आओ। दो लड़के ना? हाँ। कहाँ से? कहीं से भी, जहन्नम से। पर काहे को? इन दो बेकार बेहुदा छोकरियों के लिए मैं इनका ब्याह करके फौरन को चर्चा करना चाहती हूँ। मगर मैं पूछता हूँ, कितनी जल्दी भी क्या है? ये बंद करो अपनी अगर मगर, जल्दी जाओ, जो लड़के लेकर वापस आओ। जाओ, जाते क्यों नहीं? पुष्पा की माँ, ए पुष्पा की माँ, घबरा
घबराना नहीं है, इसको मैं कुछ घबराता हूँ। ये रखे दो लड़के, तुम्हारी जल्दी में यही दो मिल सके हैं। लाने के लिए मैं लाख कहती रही, अब मेरा इलाज करना बेकार है, अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मगर शंकर चाची, ऐसा ना कहो चाची, ऐसा ना कहो, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। जान है तो जहान है चाची, तुम दिल छोटा ना करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ फिर से बन जाएगा मेरी चाची। अरे गोल गोल क्या घुमा रहे, सोने की है, दिखता नहीं है क्या? और शंकर, जो 200 रुपए तुमने पहले ले रखे हैं उन्हें कब लौटाओगे? बेटे को 3 साल हो चुके हैं, और बात यह है कि तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं कहने जा रहा था कि वो तुम्हारा जो झोपड़ा है ना, और वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा कर्जे के सिलसिले में उन्हें गिरवी रख दो ना। अरे वो सब देखा जाएगा, तुम इसके पहले तो पैसे दो। भाई मैंने सब कागज तैयार रखे, देखो सिर्फ तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। ये देखो, सिर्फ इस लकीर के ऊपर थोड़ा सा हाथ मार दो बस। बड़े नंबर ही ठगो यार। ये तो सब व्यवहार की बात है, और घबराने की कोई बात नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो कर्जा चुका देना, समझे? भाई तुम्हारा नुकसान पहुंचाने में हमारा थोड़ा ही कोई फायदा है। अरे तुम बड़े दया के अवतार हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अब बातें सुनाओगे या पैसे भी दोगे? अरे वाह, पैसे नहीं दूंगा, ये कैसे होगा? ये लो पैसे, ये देखो, ये 10-15, ये देखो, ये 20, ये बीच में से फटा भैया। ये दूसरा, ये देखो, ये 30, ये कहाँ 20 हो गए? 20 शराब का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। मेरे पास तो शराब का एक कतरा भी नहीं है बेचने के लिए। आपको यह खबर सुनकर ताज्जुब होगा रघुनाथ जी, कि मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है। अच्छा? हाँ, और यही खबर थी जो आज आपको सुबह सुबह सुनाने चला है। अरे वाह मेरे दोस्त, क्या कहने हैं तेरे। अब तो खुश है ना? अरे बहुत खुश, बहुत खुश। वरना कसम भगवान की, आज तो मैं ये तय कर बैठा था कि तेरे पास शराब का एक कतरा भी नहीं बेचूंगा। हाँ रघु, हाँ झूठ बोलना भी बड़े अटकल की बात होती है दोस्त, हर कोई उसे नहीं निभा सकता। देख शंकर, मैंने तुझसे कह दिया ना कि शराब का एक कतरा भी नहीं है मेरे पास। देख रघु, तूने मुझे ये भी कहा कि मेरे पास है, मगर दूंगा नहीं। शंकर तेरे दोस्त, अभी तो रात भी नहीं ढली शंकर, अभी तो सुबह ही है। अरे सुबह के वक्त इसकी जरूरत होती है जालिम, रात के वक्त शराब होती है, मगर दिन के वक्त दवा होती है रघु। शंकर चल भाग यहाँ से। भैया एक छटाक पिला देना। जाएगा मार खाएगा। जाता हूँ भैया, माना नहीं। 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 हीरा भैया, तुम मेरा भाई है। हीरा तो भी मेरा भाई है भैया।
हीरा अबे तुम मेरा दोस्त भी है। तू भी मेरा दोस्त है भैया। वो कौन सा गाना है? वो भैया दिया बेकरार दिया बेकरार है साहिबा। अबे देख के चल देखती है मेरी तरफ। दवाई तेरी थोड़ी थी, मेरी माँ की दवाई थी। तेरी दवाई थी ना माँ? फिर ये क्यों घूर घूर के मेरी तरफ देखती है? मैं तेरे लिए दूसरी दवाई ला दूंगा माँ, तू घबरा नहीं। हाँ मैं तेरे लिए दूसरी दवाई लाऊंगा, मैं संभाल के लाऊंगा एकदम। मैं माँ संभाल के लाऊंगा, मैं फेंकूंगा नहीं बात है। कल से शंकर शराब नहीं पिएगा। वो कल से शराब नहीं पिएगा चाची, मैं उससे ये जहर छुड़वा कर आऊंगी। तुम कल खुदा की शक्ल अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी शक्ल खुद कल अपनी आंखों से देख लोगे। तुम अपने आप पर थूकोगे, मुझ पर थूकोगे, तुम अपने आप कर दूंगा। ये सब क्यों किया तूने? मैं मरी बाबा, मरी मरी। तू कौन होता है मुझे उल्टे सीधे सवार करने वाला? मैं शंकर हूँ, जानती है? मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। शंकर
शंकर, ओ शंकर, जो मिट्टी के बहुदा से खिलौने बनाता है और दिन भर शराब में डूबा रहता है, अच्छा लड़का है, लड़का अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है। शंकर, अब हम दोनों, मतलब हम दोनों बिल्कुल एक हो गए, बिल्कुल एक। हम दोनों एक जैसे हैं ना? ऐसा करने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आती? चल चल जा यहां से, फिर ये काला मुंह लेकर मेरे सामने कभी मत आना। शंकर कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। काश तेरे जैसी बेटी मुझे एक होती। नहीं तो नहीं क्या? तूने जो आज मेरे बेटे के लिए किया है, दुनिया में कोई नहीं करता। देखो चाची, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा, अब फिर ऐसी बातें नहीं करूंगी। अच्छा चाची, अब मैं घर जाऊंगी, घर वाले सोच रहे होंगे मुझे ना जाने कहां चली गई। चाची, हम जिंदा एक है, हम जिंदा एक है। माँ, आज हम सब मिल के पिएंगे, हम सब मिल के पिएंगे, मिल के। पारो, किस बुढ़िया बुब्बू समझा देना पारो, हाँ? तुमने मेरी बोतल तोड़ दी है ना? तुमने मेरी बोतल तोड़ दी, तुमने मेरी बोतल तोड़ दी, मार 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 म
मैंने देर क्यों ना हो गया, बार बार क्यों ना खाई गया तुझे, तू मर क्यों ना गया, 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 तू मर जाता तो अच्छा होता। तुमने आज सुबह पारो को नहीं देखा था माँ, तुमने आज सुबह पारो को नहीं देखा था। अपने के लिए ये ढोंगरा चाहता था, उसने तेरे कलंक को दूर करने के लिए सब कुछ किया था शंकर। उस लड़की के भी बात जो तेरे नाम की मोरा जपती रहती है, अपना
मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा बात। देख पा रहा अब मैं यहां से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ, इस गांव से दूर, मां से दूर, तुमसे भी दूर जा रहा हूँ। और तुम मुझे रोको भी नहीं, एक दिन में रोज बरोज गिरता ही चला जा रहा हूँ। तुम लोगों से दूर जाकर मुझे पता भी चलेगा कि मैंने क्या खो दिया। फिर अगर तुम मुझे याद भी आओगी तो मैं अपने आप से कह लूंगा कि शंकर तू तो उसके लायक ही नहीं। ठीक है थे। सुनो भाई, अब मैं सुधर के ही वापस आऊंगा, और अगर नहीं आ सका तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे योग्य ही नहीं। यहाँ कब से आई हुई है? मैं तो जाने कब से यहाँ आई हूँ। और कोई नहीं आपके साथ? आपकी तबीयत खराब थी ना, जरा देखने चली आई। मिस पुष्पा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप मेहरबानी करके अपने घर तशरीफ ले जाइए। मैं तो आप ही आई हूँ और आप ही चली जाऊंगी। न जाने हमारी मुलाकात पे ये क्या सनीचर का साया है, जब भी आती हूँ बहस से बात शुरू होती है और झगड़े पिटा खत्म होती है। मिस पुष्पा, परमात्मा के लिए आप अपने घर चली जाइए। अच्छी बात है, मैं चली जाती हूँ, फिर कभी आने का नाम तक नहीं दूंगी। सुना आपने? दीदी, लाला जी तुम्हें बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया है पिताजी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप ने बुलाया? कहाँ थी तुम? मास्टर जी को देखने गई थी। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी। कभी नहीं जाऊंगी पिताजी? मैं पूछता हूँ आखिर तू गई क्यों? तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहते हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़ा खराब आदमी है वो। क्यों, क्या किया उसने? कुछ नहीं पिताजी, वो मुझे पसंद नहीं करते, उल्टे नफरत करते हैं पिताजी। क्या कहा? तो तेरे से नफरत करता है? तो मास्टर का बच्चा समझता है कि मेरी रिलेटिव उसके काबिल नहीं, यही ना? मैं उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप भूल जाइए उसके बारे में। आप जिससे भी कहेंगे उससे शादी कर लूंगी पिताजी। मैं चिल्ला भी कुत्तों की तरह, तेरी शादी होगी तो उसी मास्टर के साथ, नहीं तो नहीं होगी। ये तय बात है। अबे ओ मास्टर के बच्चे। ओ आप आइए आइए बैठे ना। तुम जानते हो मेरे लड़के पछता को? जी वाह, कुछ पूछने की बात है? अब तो महीनों हो गया उन्हें बनाते हुए। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि मैंने तुम्हें उसका उस्ताद बनाकर बड़ी हिमाकत की। तुम मेरे गाँव दियो शादी हो पढ़ने दर्जे के अमक हो, समझे? जी मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं समझा। बिल्कुल कुछ नहीं समझा। मैं ये पूछता हूँ कि मेरी लड़की खूबसूरत है? जी वो तो बहुत ही खूबसूरत है। कोई शरीफ आदमी उससे शादी करना पसंद करेगा? बड़ी खुशी से। तो फिर तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की? बेइज्जती मैंने? तुमने की उसकी बेइज्जती। तुमने उससे शादी करने से इनकार किया, एक तरह से मेरी भी तौहीन की। वही हुआ ना, कोई जवाब? अरे फूटो तो, कुछ मुंह से तो फूटो, चुपचाप क्या खड़े हो गधे की तरह? आप जो कुछ कहेंगे मुझे मंजूर। तो तुम्हें मेरी लड़की से ब्याह करना होगा। बहुत अच्छे। हाँ, अगर तुम्हें एक अल्लाह और देहाती लड़की और एक बेवकूफ ससुर से नाता जोड़ने में कोई मुझे कोई एतराज नहीं है। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, ये लो अठन्नी, मुंह मीठा करना। Thank you.
नैन लागे, लागे जब से नैन लागे, वो दिल तो गया क्या जाने उल्फत में क्या होगा आगे। जब से नैन लागे वो जब से नैन लागे, लागे जब से नैन लागे, लागे जब से नैन लागे, वो दिल तो गया क्या जाने उल्फत में क्या होगा आगे। जब से नैन लागे वो जब से नैन लागे, बंधने लगे हो मोहब्बत के धागे। जब से नैन लागे वो जब से नैन लागे, लागे जब से नैन लागे, लागे जब से नैन लागे, वो दिल तो गया क्या जाने उल्फत में क्या होगा आगे। जब से नैन लागे वो जब से नैन लागे, ये घर और इसके साथ की जमीन का कब्जा लेने आया। मेरे घर का कब्जा? हाँ। क्यों? इसके बदले शंकर मुझसे कब्जा लेता रहा है। ये झोपड़ा और ये जमीन दोनों मेरे यहाँ गिरवी है। कल आखिरी दिन था उधार ली रकम चुकाने का। ये देख डिग्री लाया।
ये सब कुछ मैं नहीं जानती, ये नहीं हो सकता। ये घर, ये जमीन शंकर के बाप दादा की है, वो यही जी है, यही मरे है, इसे कोई नहीं छीन सकता, इसे तुम नहीं छीन सकते। हाँ, आँख का लड़का कहाँ है माँ जी? वो पिछले 6 महीने से कहीं चला गया है भाई। जाएगा कहाँ, वहां पहुंच गया होगा। खबरदार, ऐसी बात की तो आग छक दूंगी मुंह में। वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है। तू कैसे जानती है? मैं नहीं जानती तो क्या, माँ का कलेजा तो जानता है। तेरी पाई पाई चुका देगा। मैं उसके आने की राह नहीं देख सकता बूटी, मुझे अभी कब्जा लेना है, इसी वक्त। भाई तुम्हें जरा इसे समझा दो, मेरा शक्कर जल्दी आएगा, हमारे सर छुपाने की जगह न थी। मुझे अफसोस है माँ, कचहरी की डिग्री का क्या करूँ, कानून के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता ना। तो क्या तुम्हारा कानून यही सिखाता है कि मुझ जैसे गरीब को घर से बेघर कर दे, उसे खाई में ढकेल दे? कानून में गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं होता है माँ जी, और फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे भी तो अपना फर्ज पूरा करना है। अच्छा करो, अपना फर्ज पूरा करो। ले लो माँ जी, ले ले लो। फिर के मुँह कोई चल दिया, फिर के मुँह को
किसी का जहां देखती रह गई ये जमीन, रहा बेरहम आसमां, मेरे दिल कहीं और चल, हम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल। पहली बार मुझे देखेगी तो रोई। मैं तो अपने हिस्से पर रोना रो चुकी हूँ। तुझे ठीक मालूम है पारो, तो अपने हिस्से पर रोना रो चुकी है। और नहीं तो क्या? हाँ तो फिर ठीक है, तो अपने हिस्से पर रोना रो चुकी है ना, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये भैया से जाके बात करना, उससे क्या पूछता है? तू बड़ी चालाक है रिपा। मैं चालाक नहीं, तू ही बुद्धू है शंकर। क्या बात है, ये सिंगार किसके लिए हो रहा है? जी चाहे तेरा भी अच्छी। चल बताओ ना कहाँ जा रही हो? अरे कहीं भी तो नहीं, मैं तो यही हूँ। तो फिर ये बनाव सिंगार कैसा? वो आ रहे हैं चंदा के रथ में। आप कौन हैं जी? वो लाला जी से मिल रहा हूँ। आप बैठे ना, लाला जी अंदर होंगे, मैं उन्हें बुलाए लाता हूँ। आप कौन? मैं मिस पुष्पा और मिस पारो का मास्टर हूँ। मास्टर आप बैठे ना, तशरीफ रखिए, मैं भी उन्हें बुलाए लाता हूँ।
अरे तू तू इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं कभी? तुझे न पहचानू गांव के छते हुए बदमाश को? क्या करने आए यहाँ? मैं लाला जी से मिलने आया। लाल तेरे नौकर नहीं है जो तुझे से बेहूदे के लिए अपना वक्त जाया करते हैं। मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है भाभी। जी हाँ जरूरी काम ही तो होगा, तुझे ही भनक पड़ गई होगी हम लोग अमीर हो गए हैं दूसरों की तरफ पैसे बटोरने आया है। ये बात नहीं है, मैं उनसे क्या मैं लगा रखी है। निकल जाए यहाँ से, निकल जा। मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ भाभी। मिलाऊं तुझे पारो से? बदमाश गुंडा जमाने भर का, निकल अंतरी हड्डी पतली कर दूंगी। निकल जाए यहाँ से। मैं तुमसे कहता हूँ मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ। लल्लू मैं एक बार लल्लू मिलना चाहता हूँ भाभी। ये भाभी क्यों चिल्ला रही है? कोई आया है? कुछ भी जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ बाप का घर समझा था जो चलाया अंदर, शराबी कहीं का। अगर मुझे शराबी कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू शराबी, तेरा बाप तेरे बाप का बाप। अरे 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 ये के शंकर भैया मैं पारो के लिए तुमसे मिलने आया था भैया। शंकर तूने अपनी इज्जत तो मिट्टी कर दी मगर दूसरों की इज्जत का तो ख्याल क्या कर कंबर? भैया मैं शहर में काम करता हूँ, तुम यकीन करो पारो मेरे खबरदार जो पारो का नाम जबान से लिया जबान खिंचवा दूंगा। जा अपना कलम दूर कर यहां से। जगत न रहे, ये जगत न रहे। शंकर शंकर चलो चलो अंदर चलो। घर क्या है जैसे अखाड़ा समझ रखा है। कोई नहीं, कोई जरूर आए। अरे मैं कहती हूँ ऊपर जा कहीं नहीं है। मैं समझती थी भगवान मेरे घर में इस तरह उजाला हो जाएगा, इसकी मुझे आशा न थी। मुझे मैं तूने क्या कुछ भर दिया, मेरा शक्कर मुझे दे दिया, साथ उसकी खुशियां भी दे दी। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना है प्रभु ये सब कुछ मुझसे छीन न लेना। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगी प्रभु कि शंकर को दुनिया भर का मालदार बना दे या उसे कोई बहुत बड़ा आदमी बना दे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ प्रभु कि उसे जो इज्जत दी है तूने उसको वापस मत लेना। उसके पैरों में इतनी शक्ति दो भगवान कि वो फिर न डगमगाए। ये किसके आगे रो रही है माँ? माँ अगर तुझको कुछ चाहिए ना तो जगत नारायण के पास जा, उसके पास बहुत धन है माँ, बहुत धन है उसके पास। इस पत्थर की मूर्ति से क्या मांगती है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। शंकर शंकर तूने ये क्या किया? मैंने आज फिर से शराब पी ली है माँ, मैंने आज फिर से शराब पी ली और 10,000 गाली दी उस बुड्ढे को सड़क पर खड़े होकर। मैंने क्या समझता है वो अपने आप को, क्या समझता है? माँ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया माँ, और तू रोती है? वो भाई आदमी हुए तो क्या हुआ? शंकर भी तो कोई कुत्ता तो नहीं है माँ, वो भी तो आदमी है आखिर। मैंने दिन रात पारो के लिए शहर में काम किया है, मैंने दिन रात उसके लिए शहर में काम किया है, और अब वो लोग मुझे उससे मिलने भी नहीं देते। क्यों नहीं मिलने देते मुझको बताना, क्यों नहीं मिलने देते मुझको? तेरे भाग में यही लिखा है। किसने लिखा है मेरे भाग में ये? हैं? उसने लिखा है जिसके आगे तू हाथ जोड़ जोड़ के रोती रहती है। कान खोल कर सुन ले, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा समझा? ये बुढ़िया तो सकिया गई है मगर शंकर नहीं सकिया।
तुझे अच्छी तरह जानता है। माँ ये जगत नारायण का दोस्त है, ये सब कुछ उसी को देता है, हमको कुछ नहीं देता। माँ मुझे आज उसके घर से इसीलिए निकलवाया है, इसीलिए मुझे दर दर की ठोकरें खिलवाई है। माँ यही मुझको शराब पिलाने वाला है। मैं आज नहीं हटूंगा माँ, मैं इसको गली में उठा कर फेंक दूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। हमने ऐसा क्या किया है, हमने ऐसा क्या किया है माँ, हमने ऐसा क्या किया है। भगवान भगवान मेरे शक्कर को माफ कर, भगवान वो बच गया, भगवान माफ कर दो, माफ कर दो। शबनम को रुलाती है,
शबनम को रुलाती है आज अपनी मोहब्बत पर दरिया को रुलाना है आज अपनी मोहब्बत पर दरिया को रुलाना है हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है पीने को शराबे गम दिल गम का निशाना है शंकर ओ शंकर घर क्यों नहीं आया रे बड़ा आदमी हो गया है मेरी तरफ देखेगा नहीं क्या हो शंकर क्या हो गया शंकर क्या हो गया शंकर पता नहीं क्या हुआ बहुत से लोग ऐसे होते हैं पर जो अपनी मौत से पहले ही मर जाते हैं मैं भी उनमें से एक हूं शायद कैसी बातें करते हो ऐसी बातें मुझसे नहीं निकाला करते और फिर देखो आज आज मैं तुम्हें कितने दिन के बाद मिली तुम मुझे नहीं मिल सकती मैं अच्छी तरह जान गया हूँ तुम मुझे नहीं मिल सकती ऐसी बातें मत कहो अगर उससे ये थोड़ी होगा कि तुम मर जाओगी या मैं मर जाऊंगा हम दोनों जिंदा रहेंगे अरे दुनिया में वही होता रहेगा जो ये ईश्वर चाहता है वही होता रहेगा मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता पर मैं अकेला नहीं लड़ सकता तो मैं क्या करूं मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता मैं बहुत रोया हूँ मैं बहुत रोया मगर इससे कुछ नहीं होता इससे कुछ भी नहीं होता मैंने कितनी बार उसे मना किया उस बदमाश से घर न जाया कर कल मुही बगत तुझे थोड़ी मानेगी नहीं मानेगी बोल क्यों गई माँ मैं कहती हूँ वो 10 बजे रात तक रही उस शराबी कबाबी घर में आखिर वहाँ क्या कर रही थी खिलौने खेल रही थी तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी दरिया में डूब मरूंगी तो जा डूब मर बखेड़ा खत्म हो रोज रोज का वो मेरी बहन है मैं उसे नहीं निकाल सकता अच्छा तो तुम अपनी चहेती को लेकर रहो मैं अपनी बेटी के साथ मार के चली जाऊँ ख्याल बुरा नहीं है तुम्हारे सिवा मैंने किसी को यूं दिखते नहीं देखा एक सौतेली बहन के लिए तुम लिख लो वो तुम्हारा मुंह काला करके रहेगी खानदान की नाक कटवाते रहेगी पुष्पा की माँ जबान संभाल कर बोल तू अच्छी तरह जानती है देखो बच्ची से थी मैंने उसे गोद में लेकर पाला है मैं उसका भाई ही नहीं बाप और माँ भी हूँ मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पुष्पा को फिर भी अगर तू यही चाहती है तो मैं अपने हाथों से उसके गला घोट देता हूँ अपने हाथों से उसे मार डालता हूँ पार्वती पारो कहाँ गई थी तू क्यों गई थी तू मुझे मार डालो भैया भैया मुझे मार डालो पारो तू शंकर के यहां जाना छोड़ दे वो शराबी है मैं उससे शराब छुड़वा दूंगी भैया ये तेरे बस का रोग नहीं पारो आज तक तूने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो शराबी को सुधार सके नहीं भैया पर कोई जी जान से कोशिश भी तो नहीं करता कोई उसे समझने का जतन भी तो नहीं करता भैया सब एक ही बात जानते उससे नफरत करना और उसे धुतकार कर निकाल देना ये भी एक बीमारी है भैया बीमारी का कारण दूर कर दो वो खुद ही ठीक हो जाएगा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे छोड़कर अलग नहीं हो जाता भैया पारो अब भी समय है भूल जाओ उसे ये तेरे बस की बात नहीं पारो तू ये कभी नहीं कर सकती तू सिर्फ अपने आप को तबाह करके बैठ जाएगी
मैं अपने आप को तबाह करके अगर उसे बचा सकती हूँ तो मैं ये भी करूंगी। पारो मेरी फिक्र मत करो भैया। शंकर कहाँ है? शायद घर ही में होंगे। बुला लो उसे, मैं जरा उससे बात करना चाहता हूँ। भैया भैया। अरे राम चाची 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 तुम क्या हो गया? हाँ तुम बहुत बीमार लग रही हो चाचा। मेरा दिल कुछ आज ज्यादा ही डूब रहा है। शंकर कहाँ है चाची? वो बैठ के पास सुबह से दवाई लेने गया। भैया तू 5 रुपए की बात कर रहा? मैंने 5 पैसे नहीं कमाए जिंदगी में। भैया तेरे को यकीन नहीं होता, अगर 5 रुपए मेरे पास होते तो मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ मिलता, अंदर मिलता। भैया जो मेरे पास था वो तुझे दे दिया, जो मेरी माँ के पास था वो भी लाके तुझे दे दिया, और 5 रुपए देने से इंसान करता जबकि मेरी बात रिश्ते बड़ी धन तोड़ रही है। उधार मुझसे मांगने आया जिसके मुंह पर उस दिन पैसे दे मारे थे, अब कहाँ गई तेरी वो पैसों की चमक धमक? माँ बीमार है। अरे तू बीमारी की बात करता है, अगर मर भी गई तो उसके कफन के पैसे नहीं दूंगा, समझा? माँ की तबीयत कैसी है? माँ की हालत भी बहुत खराब है शंकर, तू जा जल्दी से डॉक्टर को ले आ। मेरे पास एक कोई नहीं है, डॉक्टर को कहाँ से लाऊं? अब जितने पैसे थे वो कहाँ चले गए? सब तो दे चुका दी मैंने, पर कुछ गाँव वालों ने बांट दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं पारो, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। माँ की जान बहुत कीमती है, नहीं पारो मैं इससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। नहीं मेरी भी तुम्हारी। मैं तेरा हार कैसे ले जाऊं? तू तो पार हो गया शंकर, देख मेरी माँ बहुत बीमार है रघु, और मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से दे रखो, मुझे जल्दी से दे। बेटी
तुझे याद है शंकर क्या गाया करता है? हाँ चाची, मगर सुना दे बेटी, मैं इसी के सहारे ऐसे की धुन पकड़ कर चले जाऊंगी। शंकर नहीं चाची, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती चाची। गा बेटे गा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। गा मेरे दिल सही यार, हम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल सही यार, हम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई मेरे दिल सही। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मेरे दिल सही जगा रहा हूं तुझे। क्या वक्त हो गया होगा? शाम होने वाली है, तूने कहा था ना डॉक्टर के पास जाना है तुझे। मेरी माँ मर गई, पर
मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, पर मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। पारू की शादी इसी महीने में तय कर रही हूँ, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। शादी तुम ठीक कर रही हो और पूछ मुझसे रही हो, मैं कोई पुरोहित थोड़ी हूँ। लेकिन बाबूजी शादियाँ तो दो हैं, तो दक्षिणा भी तो दोहरी मिलनी चाहिए ना मुझे। तुम्हें और क्या चाहिए। अरे इनकी बातें छोड़िए पंडित जी, फिर ये तारीख ठीक रही ना। रही पुष्पा, अब तो खुश हो गए ना पुष्पा, शादी जो तय हो गई हमारी। हाँ, किसी की शादी किसी की बर्बादी, क्या है ये दुनिया। तो यही मेरा घर है, कब तक उसकी राह देखती रहोगे। घर चलो, दो महीने हो गए, अब शंकर नहीं आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा, वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। मेरी बात मानो पारो बुआ, घर चलो। जो दाग शंकर ने अपने दामन पे लगा लिया है उसे तुम कभी नहीं मिटा सकते। दाग चांद के चेहरे पर भी तो दाग है पुष्पी, क्या उसके कारण वो बुरा लगता है या और भी अच्छा। वो पुष्पी क्यों रो रही है पुष्पी, मत रो पुष्पी, पुष्पी। हवा
डाले अपना मत मेरी जी के तड़पना जा हवा तू रस्ता ले अपना मत मेरी जी के तड़पना आई है मेरे गम से जवानी रोती हुई याद है कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशिया बर्बाद है सूख चुके हैं आंखों के झरने लूट लिया हमें दावे जिगर ने आँखों के झरने लूट लिया हमने दावे जिगर ने फूल नहीं ये जख्मों के लिए फूल नहीं ये जख्मों के लिए आत्मा सही याद है आत्मा सही याद है कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियां बर्बाद है कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियां बर्बाद है मौसम दुखों का सर पर है छाया मुझसे जुदा है खुद मेरा साया मौसम दुखों का सर पर है छाया मुझसे जुदा है खुद मेरा साया हम है अकेले गम के मेले दर्द की फरियाद है कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियां बर्बाद है इस लड़की के मारे नाक में दम आ गए आज शादी का दिन है और यहाँ बैठी रो रही है चुप रहती है नहीं माँ भगवान के लिए बुआ को कुछ मत कहो बेचारे बहुत दुखी है क्या कहा टूट पड़ा इसका जरा मैं भी तो सुनूं तुम नहीं समझोगे माँ चुप रह कल की छोकरी मुझे आई है समझाने दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जो सौतेली बहन के लिए इतना कुछ करेगा इतना अच्छा खानदानी लड़का ढूंढा उन्होंने कि 7 दिनों में ऐसा बाप नहीं मिलेगा इसको चल तू हाथ बात यह है कि वो आदमी जो है ना ज्यादा पैसे मांगता है तो ये लो पाकट देखो इसकी एक खुराक से पांव का दर्द हेजे का दर्द भेजे का दर्द कलेजे का दर्द 1000 दर्द बंद हो जाते हैं लेकिन याद रखना अगर ये दवा थोड़ी सी ज्यादा हुई तो बस 15 मिनट में दिल का दर्द यानी कि दिल की टक टक जो होती है एक साथ बंद हो जाएगी मेरा मतलब है कि दूसरी दुनिया का टिकट लेना पड़ेगा माफ करना है हीरा किसी से कहना नहीं तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो बिल्कुल बेफिक्र बाहर चलो बाहर सारी ये बारात
Thank you.
कुछ भी नहीं कर सका हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सका था, मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे अपने साथ ले चल मां, मेरा यहां कोई नहीं है, मेरा यहां कोई नहीं है मां, मेरा यहां कोई नहीं है मां, कंगन माफी देते रहो। किस लिए? वो मैं पारो को दूंगा। पारो को? हाँ, रघु मेरी उससे शादी हो रही है। लेकिन पारो की शादी तो किसी और से हो रही है। मुझसे हो रही है रघु, मैसेज करता हूँ। अरे पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल नहीं हूँ, आज को भी मेरे पास चल रही है। अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है रघु, और अगर तू इस वक्त मेरा हाथ थाम लेगा ना तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं करूंगा। दोस्त रघु, मैं अपनी माँ की सगन खा के कहता हूँ कि मैं दिन रात काम करके तेरी एक एक पाई चुका दूंगा रघु। मैसेज करता हूँ तेरी एक एक पाई चुका दूंगा रघु। अच्छा। और मैं समझता था इस दुनिया में प्रेम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मैं समझता था ईश्वर मर चुका है रघु। जानता है तुम मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे से गलील आदमी से भी इतना प्यार कर सकता रघु? ले, इसके बदले में तुझसे कभी एक पैसा भी नहीं मांगूंगा शंकर। मेरी तरफ से ये तुम दोनों की शादी का तोहफा समझ लेना। तू जैसा आदमी जो है ना, ईश्वर। अब जा तू, बैठ जा, वो तेरा इंतजार कर रही हूँ शंकर। जा हो रहा है भागिनी, मेरा मुंह काला पड़ा है। मैं आ गया हूँ शंकर, मैं कहता हूँ चला जाए घर से। भैया तुम नाराज मत हो,
मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, मैं वो पहले जैसा शंकर नहीं हूँ। कमीने, मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने आया है। मैं कहता हूँ सीधी तरह चला जा, वरना मारे जूतों के तेरी खोपड़ी तोड़वा दूंगा। मुझे मार लो भैया, जो तुम्हारे जी में आए कह लो, मगर पारो को मुझसे मत छीन। निकल जाएगा आइए जल्दी। आइए, ये शादी अब नहीं होगी जगत नारायण जी। जी मुझे क्षमा कीजिएगा। उठो बेटा। ठाकुर साहब ऐसा न कीजिए, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। ठाकुर साहब आपकी इज्जत से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है देवी जी, एक क्षमा कीजिएगा। चलो बेटा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब लेकर अभी आता हूं।
गम की दुनिया, मेरे दिल कहीं